अहम खबर है कराची से, जहां पर बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरियों के हुसूल के लिए कोशा नौजवानों की उम्र की अहलियत में इजाफा कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया है। दरख्वास्त जमा कराने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 15 साल की छूट होगी और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सहूलत का इतलाक पुलिस, पब्लिक सर्विस कमीशन और कुछ मखसूस इदारों पर लागू नहीं होगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरियों के हुसूल के लिए कोशा नौजवानों की उम्र की अहलियत में इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। कैपिटल टीवी के नुमाइंदे अकरम बलोच टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम, आगाह कीजिएगा, नौजवानों की उम्र की अहलियत में इजाफा किया गया है, कितना इजाफा किया गया है? पहले कितनी उम्र थी कम से कम और अब कितनी कर दी गई है? देखिए, सिंध के उन नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जिनकी उम्रें जो है ना वो रोजगार के उसूल के लिए जो है ना वो बढ़ गई हैं। अब जो है ना सिंध हुकूमत ने सरकारी नौकरियों के उसूल के लिए जो सरकर्दा नौजवान थे उनकी उम्र की एहलियत में इजाफा कर दिया। बड़ी खबर है, बड़ी खुशी की बात है। तमाम सरकारी नौकरियों के लिए दरखास्त जमा करने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 15 साल की छूट होगी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन इस सहूलत का इतलाक जो है ना पुलिस सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन और कुछ मखसूस जो सरकारी इदारे हैं उन पर इसका लागू नहीं होगा। बाकी जो जितने भी महकमे हैं जहां पर जो बहुत सारे नौजवान जो है ना जिनकी उम्रें बढ़ गई हैं लेकिन जो है ना अब वो बाकायदा दरखास्तें जमा कर सकते हैं और जो है ना इसके लिए हुकूमत सिंध ने 15 साल की छूट जो है ना वो दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी अकरम बलोच, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।